आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितना रो रो के दिल से दुआएं मांगी थीं, लेकिन हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हुईं। 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जारी है। पूरे मुल्क में लोग बड़े बड़े स्क्रीन्स पर ये मैच देख रहे हैं, दुआएं जारी हैं, तस्वीरें घूम रही हैं, लेकिन पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है। और अब 2021 सेमीफाइनल का ही मैच जारी है, एक बार फिर बड़े बड़े स्क्रीन्स लगे हैं, फिर दुआएं जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर हार गया। आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये बदकिस्मती का रोग हमारे ही साथ क्यों लग गया है? कितना रो रो के दिल से दुआएं मांगी थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, लेकिन हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हुई। जीत और हार के ये मौके एक फर्द और कौम दोनों की आजमाइश के अहम तरीन मरहले होते हैं। जीत की खुशी देकर इंसान की आजमाइश की जाती है कि कहीं ये इस जीत को अपने जोरे बाजू और सलाहियत का नतीजा करार देकर इस जीत को देने वाले रब को तो नहीं भूलेगा। हार का गम देकर यह चेक किया जाता है कि बंदा आपे से बाहर होकर अपने रब से नाराज या मायूस तो नहीं होगा। शिकस्त किसे नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी के मुतालिक सहाबा कराम को यह गुमान हो गया कि चूंकि ये रसूल खुदा की ऊँटनी है, लिहाजा ये कभी शिकस्त नहीं खा सकती। लेकिन एक दिन एक देहाती नौजवान के कवी ऊँट से ये ऊँटनी मुकाबले में हार गई। ये हार सहाबा को नागवार गुजरी, लेकिन यही तो तरबियत का मौका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पर यह हक है कि दुनिया में जो चीज़ भी बुलंद होती है इसे वो गिराता भी है। पाकिस्तानी टीम को अल्लाह ताला ने जिन कामयाबियों से नवाजा, इस पर हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और जिस तरह कौम को खुशियाँ फराहम की, इस पर हमें अपनी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रहा यह सवाल कि हमारी सच्चे दिल से मांगी गई दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब हमें बहुत पहले दे दिया था कि हमारी सच्चे दिल से मांगी जाने वाली दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं, लेकिन तीन तरीक़ों से। पहला ये कि वो सब कुछ मिल जाए जो दुआ में मांगा गया हो। दूसरा ये कि उस दुआ के बदले हम पर आने वाली कोई आफत टालने का हुक्म जारी हो जाए। या तीसरा ये कि क़यामत के दिन हमारी बज़ाहिर ना कबूल होने वाली दुआएं नेकी के पहाड़ की तरह हमारे सामने होंगी और हम हैरान होंगे कि ये नेकियां हमने कब कर डाली। इस शिकस्त के मौके पर हमें एक बात और भी ज़रूर सोचनी चाहिए कि क्या जब हमारी कौम सच्चे दिल से रब को पुकार रही थी, उसी वक्त मस्जिद में हमारा रब मौज़िन की आवाज़ में हमें पुकार रहा था, तो हम में से कितने थे जो इसकी पुकार का जवाब दे रहे थे? याद रखिए कि इस सेमीफाइनल की जीत से भी ज़्यादा बड़ी जीत हमें मिल सकती है, जहन्नुम से निजात और जन्नत में दाखिले की जीत, और यही असल जीत है।